आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है। मैं नए वर्ष पर आपके आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित है। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की
देखरेख करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वयम राष्ट्रे जागरयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।